जानिए बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टरों की फीस। आपने बॉलीवुड में कई एक्टरों की सिर्फ एक्टिंग, स्वैग और उनको लेकर लोगों में चाहत ही देखी होगी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि वे पर फिल्म के लिए कितने पैसे लेते हैं। हालांकि जब हम आपको उनकी पर फिल्म की फीस बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो आज हम आपसे 10 ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स की बात करेंगे जो अपनी फिल्म के लिए हाई फीस लेते हैं। नंबर 10, वरुण धवन। वरुण धवन हाल में अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया को लेकर काफी बिजी है, लेकिन अगर हम उनके पर फिल्म के फीस की बात करें तो वे अपने पर फिल्म पर 38 करोड़ रुपए लेते हैं। नंबर 9, रणवीर सिंह। अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन करने वाले रणवीर सिंह पर फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म 83 और जयेश भाई जोदार जैसी फिल्मों को लेकर आने वाले हैं। नंबर 8, जॉन अब्राहम। अपने एक्शन फिल्मों से जाने जाने वाले जॉन अब्राहम पर फिल्म पर 46 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और वो अब अपनी अपकमिंग फिल्म अटैक सत्यमेव जयते 2 जैसी फिल्मों को लेकर आने वाले हैं। नंबर 7, अजय देवगन। अगर हम बाकी एक्टर्स की तरह बॉलीवुड के सिंघम की भी पर फिल्म की फीस की बात करें तो वे पर फिल्म 52 करोड़ रुपए लेते हैं और वो अब अपनी अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, मैदान और थैंक गॉड जैसी फिल्में लेकर आने वाले हैं। नंबर 6, रणबीर कपूर। बॉलीवुड के ये हैंडसम हीरो की अगर हम पर फिल्म की फीस की बात करें तो ये अपने पर फिल्म के लिए 58 करोड़ रुपए लेते हैं और हाल ही में रणबीर कपूर जब अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर शूटिंग कर रहे थे तब इसी बीच उनको कोरोना हो गया था और रणबीर को कोरोना होने की वजह से फिल्म की शूटिंग भी रुक गई थी। लेकिन अब खबरों में ये बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर को कोरोना टेस्ट करवाने के बाद अब वे नेगेटिव पाए गए हैं और वे अब अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू कर देंगे। नंबर 5, ऋतिक रोशन। 2021 में वैसे तो ऋतिक रोशन अपनी कोई भी फिल्म लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन खबरों में ये बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन अब अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 और फाइटर फिल्म को लेकर आने वाले हैं। ये बात तो थी उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में, लेकिन अगर हम उनकी पर फिल्म की फीस की बात करें तो वे पर फिल्म के लिए 65 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 4, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार को तो आप जानते ही होंगे जो हर साल में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाले अक्षय कुमार की शायद आप पर फिल्म की फीस नहीं जानते होंगे और बॉलीवुड के ये सुपरस्टार बॉलीवुड में सबसे महंगे एक्टर भी जाने जाते हैं जो अपनी पर फिल्म के लिए 70 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और वो इस साल के अगले महीने में अपनी फिल्म सूर्यवंशी को 30 अप्रैल 2021 को लेकर आ रहे हैं। हालांकि उनकी बेल बॉटम जैसी और भी फिल्में 2021 में रिलीज हो सकती हैं। नंबर 3, आमिर खान। बॉलीवुड के परफेक्शन हीरो आमिर खान की अगर हम पर फिल्म की फीस की बात करें तो वे पर फिल्म के लिए 74 करोड़ रुपए लेते हैं और बॉलीवुड के ये परफेक्ट हीरो इस साल के दिसंबर महीने में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर आ रहे हैं जो 25 दिसंबर 2021 को रिलीज की जाएगी। नंबर 2, शाहरुख खान। हाल के दिनों में बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन अगर हम उनके पर फिल्म की फीस की बात करें तो वे पर फिल्म के लिए 88 करोड़ रुपए लेते हैं। लेकिन हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर ये खबर सामने आई है कि शाहरुख खान को पठान फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नंबर 1, सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान अपने एक्टिंग और अपने स्वैग से हर किसी का दिल जीत लेते हैं, लेकिन आज हम अगर उनके फिल्म की फीस को लेकर बात करें तो सलमान खान ज्यादातर फिल्म में फीस नहीं लेते हैं, वे फिल्म की प्रॉफिट में हिस्सा रखते हैं,
लेकिन फिर भी अगर हम उनकी पर फिल्म की फीस की बात करें तो वे पर फिल्म के लिए 105 करोड़ रुपए लेते हैं। और अब सलमान खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे को 13 मई 2021 को ईद के दिन लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी एक्टिंग से सबको अपने पर पलटू करने वाले ये एक्टरों की फीस जानकर आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।